आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस समय सिविल हॉस्पिटल में आए हैं एक ऐसे शख्स की मुलाकात करने के लिए जिनका नाम लादिन है, उनकी हम मुलाकात लेंगे। उनका जो सामाजिक कार्य जो है उसके बारे में हम उन्हीं से विस्तार से पूरा जानेंगे कि उनका ये सामाजिक कार्य कैसे चलता है, कब से चलता है, इसके बारे में हम लादिन से विस्तार से जानेंगे। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो सामाजिक कार्य जो चलता है सिविल हॉस्पिटल में तो ये विस्तार से आप हमें बताएं, ये कैसे करते हैं, आपका ये काम कैसे चलता है, क्या है? हम 2006 में एक अननोन आया था जो साइपन शेख बोल के एक हवालदार थे तालुके के, उसे सिलसिले से एक मैयत के सिलसिले से बुलाए थे। वो आने के बाद फिर बाद में अपने को बोले ऐसा ऐसा व्यवहार भी करना है अननोन। तो अननोन करते करते हमने फिर 2007 में बैतुल माल सिपा कमेटी चालू करे। उसमें हर जाति का मानुष का अंतविधि करने का जब हम थारा लिए, हमारे जमात के लोग पूर्व और वितर समाज के भी हमको बहुत साथ दिए, इसको मदद करते हुए पूरा काम चालू करे। 2008 में हमारी संस्था बन गई बैतुल माल सिपा कमेटी। फिर बाद में हम अननोन मैयता चालू करे। फिर हमारे डिपार्टमेंट हमको बहुत सब में ज़्यादा सरकारें पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको बहुत करे। करने के बाद हम एक दूसरा करते करते हमने बाद में मैयता हमारे मजीद भाई एम्बुलेंस वाले हमको इधर ला के बोले तो चालू कर काम। करने के बाद उनके दुआ से अल्लाह करम से सब काम चालू करने के बाद फिर बेवारस बोलते जिसको लोग हम अननोन बोलते हैं उसे असल अननोन होता है वो, तो अननोन लाने के बाद हम सभी अननोन को जो भी समाज करेंगे जो भी धर्म करेंगे उसको हम जहाँ 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 कहाँ है वहाँ पर हम पुलिस से बोल के फिर डॉक्टर को रिप्लाई देते पुलिस लोग। फिर बाद में हम उसको मैयत का इंतज़ाम करके मोदी खबरस्तान मोदी मशान वाटा में करते हैं हम। हमारी शुरुआत में बहुत तकलीफ हो गई ये काम के लिए, बाद में अल्लाह ने इसको आसानी दे दिया। कुछ देह दान करने वाले लोग इमदाद करने वाले लोग हमको मदद करे और वहाँ से काम चालू हुआ। हम आज तक वही काम करते हैं। फिर अभी कुवैत का भी आया 2020 में जिसको हमको सरकार ने नेमे थे, बाद में हमने फिर जुलाई तक हम कर दिए। तो कुवैत के मसले पर हम अकेले दत्ता कास्टर बोल के है उसको लेके हम 4 महीने लगातार कुवैत के मैयता करते रहे। बाद में कुछ इंजॉय बोले इस तरह करते हम हमारे, फिर वहाँ से वो कर लिया अल्लाह करम से और हमारा एंजॉय हम हमारे बेवारस को अननोन जो बैतुल माल सिपा कमेटी से लेटर दिए थे उसी काम को हम हमारे काम को अंजाम देते रहे। और हमारे काम को हमारा काम जो कर रहे हैं हमारे हमको से बहुत परहेजगारी से करना है, लोगों का ध्यान करते रहे करना है। और यहाँ पर जब अननोन आएगा तो उसको बहुत बहुत रिक्स है, क्योंकि जब अननोन कोई आता है तो उसका रिश्तेदार मिलने की फिक्र पहले पुलिस को, फिर बाद में हमको बोलते हैं भाई रिश्तेदार मिल गए, कहीं पानी में गिरता है, कहीं रेलवे का जिंगोता है, कहीं रास्ते पर गिरता है, किसी के माँ बाप को कोई छोड़ के देता है। फिर बाद में 6 महीने के बाद आके बोलते हमारे पिताजी गए, हमारे अब्बा गए, हमारा भाई गया। कोई आके बाद में पूछता है जब मैयत करने के बाद, तो उसके पहले हमको सही राय लेके घर के लोग पुलिस चौकी में कंप्लेंट देना है पोटू देके। फिर बाद में उसको जो रेफर होता है सिविल हॉस्पिटल में जहाँ भी मरसूदी है या 17 नंबर कैजुटी है वहाँ पर, या सोशल वर्कर हमारे जो भी है सब अच्छी तरह मदद करते हैं, और डॉक्टर लोग मदद करते हैं, सिस्टर लोग मदद करते हैं, ये सब लोग अच्छी मदद करते हैं। उनको कोऑपरेट के लिए मैं सबको विनती करता हूँ, सबको अल्लाह करम से सबको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं सब लोग, इनके एतबार से इन्हों सब लोग अच्छा काम करना है और लेके सबको चलना है। जो अननोन के मसले पर जो है ना कोई किसी का गुजरने होता है तो उसको समझ में नहीं आता है तो रास्ते पर सो के अपनी जान गंवा देता है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। जो भी रास्ते पर अगर अननोन रहेगा तो उसको बीमार रहेगा या कुछ भी रहेगा तो उसको ला के सिविल हॉस्पिटल में अपने मदद
करके अपने घर के जैसा बोल के उसको ला के एक इंसानियत के नाते से ला के एडमिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिससे हर कोई डर रहा था, और सिविल हॉस्पिटल का तो नाम लेने के बाद और भी ज़्यादा लोग डर रहे थे। वैसे समय में आपको कंटिन्यू सिविल में काम करते हुए कोई डर लगा नहीं कि आपके जान की आपको फिक्र नहीं क्या उस समय? मुझे बहुत डर लगा। फिर हमारे बाबा मिस्त्री भाई ने, नगर सेवक, बहुत ऊपर से ले कर नीचे तक मुझे बोले तू फिक्र मत कर। बहुत हम भी डरे हुए थे उस टाइम पर, क्योंकि हर एक मसला ऐसा था उस टाइम पर, सब लोग, कोई भी सिविल में एक आदमी नहीं था। उसी टाइम पर हम लोग काम करे, हमारे एम्बुलेंस वाले काम करे, हमारे जो भी सिस्टर, ब्रदर, डॉक्टर, मामा लोग, ये सब ऐसे प्रेज में इतना हेवी काम हुआ कि उसको खुद के माँ बाप को कोई बच्चा देखने नहीं आ रहा था, और कोई बच्चों को माँ बाप हाथ नहीं लगा रहे थे। इतने डेंजर बीमारी में इतना खतरनाक काम था वो। वैसे प्रेज में हमको अल्लाह की मदद आ गई, फिर हमने उसको पार करा दिए। तो इससे आपके घर वाले का कोई विरोध नहीं था क्या? आपके फैमिली मेंबर कोई आपको ऐसा रोकते थे नहीं क्या, ये काम मत करो, आप ऐसे पीरियड में जाओ मत बोलकर? क्योंकि हर कोई, जब उस समय हम भी डर रहे थे, हम भी घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, हालात ही कुछ ऐसे बने थे, तो उस समय तुम्हारे घर वाले आपको नहीं रोक रहे थे क्या? हमारे घर वाले शुरुआत में बहुत टोके। हमारे वालिद ने बोले तू काम कर, अच्छा उम्र दराज है हमारे वालिद, हमारे वालिद, हमारे घर वाले बोले बाद में कोई, अगर हम भी देख रहे हैं टीवी में बातने में, तू कर, दिल लगा के कर, किसी की भी मैयत को बेअदबी मत कर, अपने काम को अंजाम देते हुए। फिर भी मैं घर के एतबार से हमारे उनका भी शुक्रगुजार हूँ, घर लोगों का और दोस्त अहबाब का भी, सब डॉक्टरों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे साथ भी दिए, मदद भी करे, हर बात से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिए और ना हम उनको तकलीफ़ दिए। तो अच्छा, दूसरी और एक बात ऐसी है कि लादिन साहब के लॉकडाउन के समय में कुछ एरिया में, कुछ गलियों में आपके नाम की ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि आप हर एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए या दफनाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों से 5,000, 7,000, 3,000 की रकम ले रही है, ऐसा लोगों के अंदर एक चर्चा थी, तो इसके बारे में आप विस्तार से खुलासे और बताएं। ये अल्लाह तबारक तआला, हम दिन जानने वाले हैं, हम दिन जानने वाले हैं, हम उस काम को करेंगे तो अल्लाह हमारी पकड़ है कल कयामत के दिन। हम इतनी बात कहते हैं और हमको अल्लाह से डरना है। इंसान माटी का पुतला है, जबान है, जबान से कुछ भी बोलता है, उसके लिए अल्लाह के लिए हम वो जो भी बोला गलत या सही बोला उसको मालूम, अल्लाह को मालूम। तो ये थे हमारे लादिन साहब जो हमारे से मुलाकात दिए, उनकी असल जो भी यहाँ का जो कारोबार, उन्होंने जो भी यहाँ का करते हैं समाज कार्य, उन्होंने उसके बारे में हमको विस्तार से बताया। तो हम लादिन साहब का आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।